नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे SBI कार्ड के बारे में। कई सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत सारे लोग पूछते हैं लेवल्स और टारगेट्स के बारे में। बताइए SBI कार्ड में क्या लेवल्स और टारगेट होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं SBI कार्ड का अभी वैल्यूएशन क्या है। तो जो वैल्यूएशन है देख सकते हैं 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और जैसे ये स्टॉक्स 1,000 का हो जाता है तो वैल्यूएशन भी इसका 1,00,000 करोड़ हो जाएगा। तो काफ़ी समझ सकते हैं कि एक लार्ज कैप कंपनी है, क्योंकि SBI का ब्रांड है। और पी अभी ये सारा चीज़ यहाँ पर अच्छी तरह से कंफर्म नहीं दिखा रहा है। चलिए कॉर्पोरेट एक्शन में चलते हैं। कॉर्पोरेट एक्शन में आपको 20 जुलाई को इसका क्वार्टरली रिजल्ट आएगा। देखते हैं 20 जुलाई को क्वार्टरली रिजल्ट। कब है 20 जुलाई? कल है। तो कल इसका रिजल्ट आने वाला है, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद हम इसके बारे में जान सकेंगे, इसका लेवल्स और टारगेट एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, मतलब एग्जैक्टली क्या लेवल्स और टारगेट इस कंपनी का होगा। तो इससे पहले देख लीजिए मार्च क्वार्टर का जो इसका रिजल्ट था, उसमें देख सकते हैं प्रॉफिट मात्र आया था 83 करोड़। प्रॉफिट कितना था? मात्र 83 करोड़ था। जबकि दिसंबर क्वार्टर में इसका प्रॉफिट कितना था? 434 करोड़। तो मात्र उसका 20% प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में। तो जून क्वार्टर में रिजल्ट कैसा होगा? तो यह हो सकता है कि जून क्वार्टर में भी यही रिजल्ट आए जो मार्च क्वार्टर में, या इससे भी कम आए या इससे ज़्यादा आए। तो हमारा जो एनालिसिस है कि इससे रिजल्ट काफ़ी बदतर होगा। आपका क्या एनालिसिस है ज़रूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं कि SBI कार्ड का रिजल्ट जो इससे बेहतर होगा या नहीं, वो तो कल रिजल्ट आ जाएगा तो हम जान पाएंगे। मार्केट का एक्सपेक्टेशन क्या है, इसको भी हम आगे जानेंगे वीडियो में। तो इससे हमारा जो अनुमान है कि रिजल्ट इससे भी ख़राब होनी चाहिए, क्योंकि जून पूरी तरह से लॉकडाउन था, तो कहीं ज़्यादा ये कार्ड यूज नहीं हुआ। क्योंकि जो मेट्रो सिटी है दिल्ली, मुंबई, पुणे, इस तरह के जो चेन्नई है, बेंगलुरु है, इन सारे सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन प्रभावित किया बिजनेस को। तो कोई भी लोग शॉपिंग नहीं कर पाए, सिनेमा देखने नहीं जा पाए, तो क्रेडिट कार्ड का यूज़ बहुत ही कम हुआ। क्योंकि SBI कार्ड मतलब क्रेडिट कार्ड, तो किसी ने क्रेडिट कार्ड का यूज़ नहीं किया, तो इनको इंटरेस्ट नहीं मिला, तो निश्चित है कि प्रॉफिट में काफ़ी गिरावट आएगा। तो आप डीमार्ट को देख सकते हैं कि प्रॉफिट में 90% एक तरह से कहिए 90% का गिरावट आया, तो उसके शेयर में भी काफ़ी गिरावट आया है। तो उसी तरह से SBI कार्ड के पहले भी रिजल्ट खराब हो चुके हैं, फिर से खराब होता है, तो निश्चित है कि इस स्टॉक में आपको गिरावट देखने मिल सकता है। लेकिन रिजल्ट पे डिपेंड करता है और मार्केट के डायरेक्शन पे। मार्केट में अगर तेज़ी बनी रही तो सारे स्टॉक्स उसके साथ तेज़ी से चलते चलेंगे। तो मार्केट के डायरेक्शन पे भी निर्भर करता है। मार्केट हमारा लगातार मोमेंटम दिखा रहा है, तो सारे स्टॉक्स भी अपना जो है मतलब जो प्राइस में गिरावट आया था उसको क्या कर रहा है, ओवरकम कर रहा है, उसको लगातार रिकवर कर रहा है, रिकवर करते जा रहा है। सारा का सारा स्टॉक अपना प्राइस रिकवर कर चुका है, ये भी रिकवर कर चुका है। तो ये हो गया फाइनेंशियल। अब बैलेंस शीट देख लेते हैं कंपनी के। बैलेंस शीट पे यहाँ पर देख लीजिए जो मार्च 20 है, बैलेंस शीट पर यहाँ रिजर्व भी बढ़ा है, तो साथ साथ डेप्ट भी बढ़ा है। तो ऐसे कंपनियों के ऊपर डेप्ट तो रहती है, लेकिन डेप्ट में काफ़ी तेज़ी से इंक्रीजमेंट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें रिजल्ट में कल देखने लायक होगा, क्या मतलब वृद्धि होता है, किस चीज़ में कमी होता है। कैश और बैंक बैलेंस ये थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था यहाँ पर। बुक वैल्यू कंपनी का देख लीजिए, तो बुक वैल्यू कंपनी का काफ़ी बिल्डअप हुआ है, बुक वैल्यू काफ़ी स्ट्रांग हुआ है, तो ये पॉजिटिव साइन था। उसके बाद जो सबसे बेहतरीन चीज़ है, आपको हम बताते हैं कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखिए, CAGR देखिए। उसके बाद जो अलग अलग अर्निंग पर शेयर देखिए, कंपनी का काफ़ी बढ़ा है। जो फाइनेंशियल ईयर 20 था उसमें अर्निंग पर शेयर काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, तो 23%, ये भी रिटर्न ऑन इक्विटी तो काफ़ी ठीक ठाक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट ये थोड़ा सा गड़बड़ है, और रिटर्न ऑन एसेट ये तो पूरा गड़बड़ है। तो देख सकते हैं मात्र 4%। अगर रिटर्न ऑन एसेट जो है हमारा मतलब 12 हो, 12 के ऊपर हो, तो ज़्यादा बेहतर मान से मतलब 10 से ऊपर होना चाहिए। यहाँ तो 4 का है, मतलब 5 का है, तो हाफ है सीधे, तो ये भी हमारे लिए बेहतर नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी ये ठीक ठाक है, लेकिन 30 रहे तो उसको ग्रेट मानते हैं, मतलब काफ़ी अच्छी कंपनी मानते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट पर्पज से। तो ये सारी चीज़ें थी। और उसके बाद आपको कल वेट करना है, और इसके हम चार्ट पर देख लेते हैं क्या लेवल्स और टारगेट होगा, शॉर्ट टर्म लेवल्स टारगेट और लॉन्ग टर्म लेवल्स टारगेट। तो दोस्तों हम आ चुके हैं जीरोधा के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर। ये हमारा इंडिया का नंबर 1 जो ब्रोकर है। तो यहाँ पर अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो ज़रूर ओपन कर लीजिए। अगर आपको पहले से भी है तो दूसरा अकाउंट यहाँ ओपन कर लीजिए। एक में ट्रेडिंग करना, एक में इन्वेस्टमेंट, ये हम आपको लगातार बताते रहते हैं, कई सारे कमेंट भी करते हैं। आपके पास कम से कम 2 अकाउंट होने चाहिए, एक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और एक में ट्रेडिंग।
तो इसके कई सारे रीजन्स हैं जो कि हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं RSI ओवरबाउट होने का सिग्नल दे रहा है, साथ साथ जिस प्राइस पे ये लिस्ट हुआ था 755 रुपया उस प्राइस तक ये रिकवर कर चुका है। अब हम बात करते हैं इसके रिजल्ट के इफेक्ट का। तो रिजल्ट अगर ख़राब आता है तो फिर से इसमें गिरावट आएगी थोड़ी बहुत, अगर मार्केट में गिरावट आती है तब इसमें बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। लेकिन अगर रिजल्ट काफ़ी बेहतर आता है, मान लीजिए जो मार्केट एक्सेप्ट करता है, जो मार्केट को आशा है उससे काफ़ी बेहतर, तो निश्चित है यहाँ से इसका जो आगे का हमारा लेवल होगा वो सबसे पहला 900 होगा। 800 को ये इजीली क्रॉस कर लेगा जब रिजल्ट काफ़ी आउटस्टैंडिंग आएगा। तो 1900 के बाद 1000, फिर 1100, तो 1100-1200 का लेवल होगा हमारा लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में 1100-1200 का लेवल होगा, लेकिन जब रिजल्ट बेहतर होगा और मार्केट में तेज़ी बनी रहे, रिजल्ट भी बेहतर मार्केट में तेज़ी भी बनी रहे, तो अगला टारगेट इसमें जो होगा 1100-1200 का। और रिजल्ट ख़राब आ जाता है, मतलब समझिए 80% फॉल हो जाता है रिजल्ट में, 90% रिजल्ट ख़राब हो जाता है, मतलब 80% 90% का लॉस हो जाता है, मतलब पिछले रिजल्ट के कंपेयर में, तो निश्चित है कि इसमें एक बड़ी गिरावट होगा। और मार्केट में भी करेक्शन आता है तो उसके साथ इसमें और बड़ी गिरावट, तो इसका जो नीचे का हमारा जो सबसे मेजर टारगेट होगा जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए वो है 600 के प्राइस पर अगर आपको मिलता है नीचे, तो 600 पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए निश्चित है कि SIP स्टार्ट कर देनी चाहिए। और अभी आपको बिल्कुल भी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं, एकदम वेट एंड वॉच, अभी इंतज़ार करें, इसको वॉच करें कि ये ऊपर जो है, मतलब ये ऊपर मोमेंटम देता है या नीचे इसमें करेक्शन आता है, तो सिर्फ वॉच करें। रिजल्ट कल देखने के बाद इसमें हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या करना है। अगर रिजल्ट ख़राब आता है तो निश्चित है कि आप इसमें बाइंग नहीं करेंगे, इसमें वेट करेंगे मार्केट के डायरेक्शन का, मार्केट हमारा क्या होगा। अभी हमारे चारों तरफ की सिचुएशन ख़राब है, मार्केट में करेक्शन आता है तो हमें सारे स्टॉक्स में करेक्शन देखने मिलेंगे। तो ये था शॉर्ट टर्म के लेवल्स और टारगेट। अब हम इसके लॉन्ग टर्म के चार्ट को देखकर क्या करेंगे, अभी ये तो नया लिस्टिंग है तो लॉन्ग टर्म के चार्ट, शॉर्ट टर्म चार्ट दोनों यही है, तो लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट में यही बात करेंगे, कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, आगे और भी ये ग्रो करेगी जैसे जैसे मतलब लोग ज़्यादा अर्न करेंगे। अभी जो हमारे हैं जितना अर्न करेंगे उतना ज़्यादा वो क्रेडिट कार्ड का यूज़ करेंगे, जितना ट्रेवल करेंगे उतना ज़्यादा क्रेडिट कार्ड का यूज़ करेंगे, तो काफ़ी बेहतर बिजनेस है इसका, आगे इसके में ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है, तो इस कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है आगे। वही बस आपको इसमें जैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपकी बार 600 उससे नीचे तो ज़रूर इन्वेस्ट कीजिएगा, और SIP मोड में इन 600 पे आया तो एक ही बार अपना सारा का सारा अमाउंट डाल देंगे, फिर करेक्शन आएगा इसमें अगर 600 के नीचे तो फिर और इसमें इन्वेस्ट करेंगे, और आए तो और करेंगे, लेकिन फिर पहले वेट एंड वॉच करेंगे। अगर नहीं आया कभी 600 तो क्या करेंगे, फिर मार्केट को देखेंगे, मार्केट अगर हमारा आगे जाने वाला ये निश्चित हो जाए कि मार्केट आगे ही जाएगी नीचे नहीं आएगी तो हम इसी प्राइस पर इन्वेस्ट करेंगे 755 पर, लेकिन मार्केट में अगर हमें संभावना होती है, मार्केट में ऐसा लगता है कि गिरावट आएगी तो फिर इस प्राइस पर हम इन्वेस्ट क्यों करें, तो वेट एंड वॉच। चलिए तो हम अब चलते हैं इसके वेबसाइट पर, SBI कार्ड के वेबसाइट पर देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट है इसके। तो दोस्तों ये देख सकते हैं हम SBI कार्ड के वेबसाइट पर आ चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड लाइफस्टाइल में यूज़ होता है, रिवार्ड मतलब जो क्रेडिट कार्ड यूज़ होता है क्या क्या फैसिलिटी मिलता है, आप शॉपिंग कर सकते हैं, ट्रेवल और फ्यूल में कर सकते हैं, बैंकिंग पार्टनरशिप में कर सकते हैं, बिजनेस में कर सकते हैं, तो ये सारे के सारे मतलब जगहों पर आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, लाइफस्टाइल, रिवार्ड, शॉपिंग, ट्रेवल, बैंकिंग पार्टनरशिप, बिजनेस में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। बेनिफिट्स क्या होगा, लोअर इंटरेस्ट ऑप्शन देता है SBI कार्ड, इन कैश देख सकते मनी सिंप्लीफाइड, यूटिलिटी बिल पेमेंट, कैश एक्सेस चैनल, इंश्योरेंस, अदर बेनिफिट्स, तो यहाँ आकर के आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पर आप किस चीज़ के तहत, मतलब निफ्ट के तहत पे कर सकते हैं, पे नेट के तहत, वीजा क्रेडिट कार्ड पे, ऑनलाइन SBI के तहत पे कर सकते हैं, तो ये सारे के सारे पे ऑफलाइन ऑफलाइन पे का भी ऑप्शन है, तो सारी चीज़ें आप इस SBI कार्ड की मदद से कर सकते हैं। यहाँ डिफरेंट जो ऑफर्स चलते रहते हैं इसमें उसके बारे में जान सकते हैं, अगर SBI कार्ड लेना है तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं नया कार्ड अगर आपको लेना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहां से SBI कार्ड के बारे में जान सकते हैं। तो जो भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पहले उसके बिजनेस को समझ लें, उसमें आगे ग्रोथ है या नहीं ये जान लें, और उसके कंपटीटर कौन है, और कंपटीटर जो होते हैं मतलब बिजनेस में जो कंपटीटर हैं उसके कंपटीटर के बेसिस में इनका क्या मोनोपोली है, क्या कंपटीटर को ये बीट कर पाएंगे और मार्केट को कैप्चर कर पाएंगे, इन सारी चीज़ों को आपको जानना होता है।
तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चाहे आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।